हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सविता। मेरे चैनल सविता फूड डायरी में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र की फेमस कोल्हापुरी स्टाइल मिसल पाव बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक बाउल मटकी को भिगोकर कुकर में एक सीटी निकालकर उसे बॉईल किया है। अब कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालकर उसमें आधा कप सूखा नारियल डालेंगे। ब्राउन कलर आने तक उसे फ्राई करेंगे। उसी कढ़ाई में दो बारीक कटे प्याज, 6 लहसुन की कलियां, 1 अदरक का टुकड़ा डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। बाद में उसमें 2 बारीक टमाटर डालकर उसे भून लेंगे। ठंडा होने के बाद उसे मिक्सी जार में डालकर अच्छे से बारीक पीस लेंगे। अब दूसरे पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर उसमें 1 चम्मच जीरा, थोड़ा करी पत्ता डालकर उसे भूनेंगे। बाद में मिक्सी जार में पीसा हुआ मसाला डालकर उसमें 2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर ऑयल छोड़ने तक मसाला भूनेंगे। अब उसमें उबली हुई मटकी डालकर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा हरा धनिया काटकर डालकर 5 मिनट उसे पकाएंगे। तो तैयार है हमारी ये मिसल। अब इसे हम प्लेट में सर्व करते हैं। प्लेट में 2 बड़े चम्मच मिसल डालेंगे और ऊपर से बारीक कटे हुए टमाटर और प्याज डालेंगे। थोड़ा फरसान या सेव डालेंगे और चॉप्ड हरा धनिया डालकर अच्छे से सर्व करेंगे।
तो लीजिए तैयार है हमारी कोल्हापुरी झनझनी टिक्की और चटपटी मिसल। आप इसे पाव के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मिसल पाव आपको जरूर पसंद आएगी। आप इसे एक बार जरूर बनाइए। और आपको ये अगर पसंद आई तो आप इसका फीडबैक हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और मेरे चैनल सविताज़ फूड डायरी को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।